morning to all my dear students and a very warm welcome to our YouTube channel. Students, I hope you all must be fine and enjoying your studies. Students, as you all know that we were discussing about understanding law. We were trying to understand our law system. We have already discussed about Indian Constitution and now we will be discussing about लॉज. हम लोग कानून व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहे थे और उसके दौरान हमने ये जाना कि कितने सारे कुप्रथाएं थी जो हमारे समाज में हुआ करती थी, जैसे कि सती प्रथा थी. यदि किसी लेडी का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आग की चिता के साथ उस लेडी को भी जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, कि अगर उनके पति की मृत्यु हो गई है तो उनको भी जीवन जीने का कोई भी अधिकार नहीं है. फिर उसके बाद कई हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते आए हैं, कई सोशल रिफॉर्मर्स आए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, दयानंद सरस्वती हैं, जिन्होंने वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के बारे में बहुत कुछ काम किया, उनके एजुकेशन के बारे में बहुत काम किया, विडो रिमैरिजेस के बारे में बहुत काम किया और हमारे कुछ ऐसे सोशल इवेंट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने का काम हमारे हिंदी साहित्यकार जैसे कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा भी बहुत किया गया है, जिन्होंने उन्होंने उस समय जो समाज की जो कुप्रथाएं थी, जो समाज में हो रहा था, उसको अपने साहित्यों के जरिए उन्होंने दर्शाने का बिल्कुल सफल प्रयास किया. और आज भी जब हम उन उपन्यासों को पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमें उस समय उस काल के बारे में हमें पता चलता है कि किस तरह से लोग रहा करते थे. ठीक है, तो ये जो हमारे पास सोसाइटी में जो सोशल इवेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग हुए थे. हमने डिफरेंट एक्ट्स के बारे में पढ़ा जिसके थ्रू हमने ये जाना कि ये जो हमारे सोशल इवेंट्स थे हमारी सोसाइटी में, क्या क्या गवर्नमेंट ने अलग अलग समय पर एक डिफरेंट एक्ट्स बनाए जिसके थ्रू ये बिल्कुल वायलेट किया गया, बिल्कुल अबॉलिश किए गए इस तरह के सोशल इवेंट्स. फाइन, नाउ टुडे प्रोसीडिंग फर्दर वी विल बी ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल ऑफ लॉज. कि अगर हम नियम कायदे कानून की बात करते हैं तो उसको भी फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स और लॉज होते हैं एंड टुडे वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ऑल दोज रूल्स. एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरीड अकॉर्डिंग टू द लॉ. दैट मीन्स जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम होता है उसको भी गवर्न करने के लिए हमारे पास लॉ है, रूल्स. वो जो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से कैरी फॉरवर्ड करेगा उसके लिए हमारे पास नियम कायदे कानून जो हैं वो अवेलेबल हैं. ठीक है, अगर हम कहते हैं हम लोग चल सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, सारे काम परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए एक पैटर्न है. हमें हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर कैसे प्रोवाइड हुआ है, स्केलेटन है. जैसे कि हमारे बॉडी में स्केलेटन होता है, फिर मसल्स है, वेन्स है, नर्व्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बॉडी में हैं. तो उसी तरह से मेन स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने का काम किसने किया, स्केलेटन ने किया. ठीक है, तो उसी तरह से ये सपोज जस्ट लाइक इट एक्ट्स लाइक अ स्केलेटन. कि हमारे पास एक बॉडी है, स्ट्रक्चरल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन को दिमाग में मध्य नज़र रखते हुए हमारा कानून बने हुए हैं और ये जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है पूरा वो उसी लॉ के ऊपर बेस्ड होता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर लॉ. एवरी सिटीजन दैट मीन्स whosoever it is, whether it is rich, that person is poor, belonging from a very higher society, lower society, that person is below the poverty line, whether it's a male, whether it's female, whether that person is living in Kashmir, Gujarat, Punjab, Bengal, that doesn't matter at all. The rules, regulation, laws are equal for each and every person. Okay, that means every person is equal. The law does not discriminate between any person in any sense. Fine. Then is nobody is above law. कोई भी इंसान नियम कायदे कानून के ऊपर नहीं है. Whether it is a president of India or a prime minister of India, chief minister or any of the बॉडी. ठीक है, जो प्रेसिडेंट हुए, प्राइम मिनिस्टर, सब लोग को उस कानून के तहत ही आते हैं. सबके लिए वो नियम कायदे कानून जो है वो सेम है. वो किसी को बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, चाहे वो डेली बेसिस पे काम करने वाले हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो
राष्ट्रपति हूँ. फाइन. द सुप्रीम कोर्ट इंश्योर द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ. दैट मीन्स अब ये सुप्रीमेसी, जैसे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट हैं, तो लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो बिल्कुल हायर अथॉरिटीज होता है और सब पूरा सुपरविजन, ओवरऑल कंट्रोल जो है वो लुक आफ्टर करने का, सुपरविजन करने का, दैट इज इन द हैंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट चाहे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इस तरह से, ठीक है, लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं जिसका हेड दैट इज सुप्रीम कोर्ट, वो सब चीजों को इंश्योर करता है और देखता है कि ये जो कानून व्यवस्था बनाई गई है वो सही ढंग से चल भी रही है या फिर नहीं चल रही है. ठीक है. इफ द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट वायलेट्स एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इट्स एट इनवैलिड. अगर मान लीजिए कोई कानून बना, ठीक है, और उनको ये लगता है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके बारे में हम लोग ने अपने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सो मेनी थिंग्स, ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया सब कुछ है, उसको अगर वो वायलेट करता है, मतलब उसका उल्लंघन करते हुए अगर कोई नियम कायदे या कानून बने हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है. सो वी कैन से दैट सुप्रीम कोर्ट इज वेरी मच पॉपुलर एज फार एज दिस थिंग इज बीइंग कंसर्न्ड. फाइन. द रूल ऑफ लॉज गारंटीज इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटीज, इट इंश्योर्स इंडिविजुअल फ्रीडम, मतलब सबके पास स्वतंत्रता है, सबके पास फ्रीडम है कि वो अपने जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन कह रही है उसको अकॉर्डिंगली चलें, ठीक है, सबके लिए नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, और इंडिविजुअल इज फ्री, मतलब उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, एवरीवन इज फ्री टू फॉलो द लॉ एंड दैट लॉ इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इक्वली. फाइन. आई होप दिस मच मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल. नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर, लेट्स डिस्कस व्हाई न्यू लॉज आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड. हमें नए नियम कायदे कानून बनाने की क्या जरूरत पड़ जाती है. ओल्ड लॉज आर अमेंडेड. अमेंडेड मतलब संशोधन करना, मतलब पहले से वो है उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करना, कुछ एडिशन करना या कुछ चीज चेंज करना. फॉर एग्जाम्पल इफ इट टॉक अबाउट द ट्रैफिक रूल्स. फाइन. सो व्हेन द ट्रैफिक रूल्स बीन मेड सो इफ any person is breaking the traffic rule, violating that traffic rule, fine was charged and that fine was very small amount, say 50 rupees, 30 rupees. At that very time when the law was being made it was a quite big amount, lekin aajkal 50 rupees, 30 rupees koi maine nahi rakhta, to usme kya sanshodhan karne ki zarurat hai, aisa charge ho ki logon ko lage ki ha bhai kuch हमने गलती की है, चाहे वो फाइनेंशियल के थ्रू ही हो लेकिन उन्हें पता चले कि भाई गलती की है और उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तो वो जो पेनल्टी या फिर फाइन का जो अमाउंट था वो ज़्यादा किया गया. ठीक है. इसी तरह से कई सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे फाइन या फिर जो पेनल्टी होती थी उसमें चेंजेस लाए गए, क्योंकि जब वो बनाए गए थे उस टाइम वो बहुत ज़्यादा अमाउंट हुआ करता था, लेकिन आजकल के सिनेरियो में इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट देन दैट अमाउंट्स कम्स टू वेरी लो. फाइन. अपॉन दैट न्यू लॉज इन बेड. हमारी सोसाइटी कीप्स ऑन चेंजिंग, सर्टेन न्यू थिंग्स आर कमिंग ऑलवेज, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स आर ऑलवेज टेकिंग प्ले. लाइक इफ यू टॉक अबाउट द साइबर क्राइम, हैकर्स, अर्लियर व्हेन इंडिया हैज गॉट इंडिपेंडेंस, व्हेन आर कॉन्स्टिट्यूशन भी हैज बीन मेड, व्हेन डिफरेंट लॉज हैज बीन मेड, दिस साइबर इंटरनेट सॉफ्टवेयर हाईटेक टेक्नोलॉजीज वर Not so much advancement was not there. लेकिन जब ये सब चीज़ें आईं सोसाइटी में तो ये क्या हुआ कि साइबर क्राइम से बहुत चीज़ें से बढ़ने लगे. ठीक है. तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि जो ये चीज़ें हो रही हैं अगर उसमें जो बदलाव आ रहा है सोसाइटी में, अगर उसमें भी कुछ क्राइम वगैरह हो रहा है तो हमें नए कायदे कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है. और जो पुराने नियम कायदे कानून बने थे, लॉज बने थे, कानून बने थे, उसमें भी हमें अमेंडमेंट संशोधन करने की ज़रूरत पड़ती है कि अगर कहीं फाइन कम था
उस टाइम के अकॉर्डिंगली था तो हमें आज के अकॉर्डिंगली लाना चाहिए। क्राइम का सेंस बहुत एडवांस हो चुका है, बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा कितना स्किल तरीके से क्राइम हो रहा है, तो उस तरह को अगर पकड़ने के लिए, जानने के लिए, तो उस तरह के नियम और कानून बनाना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार जो नियम या फिर कानून जो बन गए दैट इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। इफ़ द सोसाइटी इज चेंजिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स आर ऑल्सो कमिंग, सो इन ऑर्डर दैट द सोसाइटी शुड लिव ऑन प्रॉपरली विदाउट एनी प्रॉब्लम, सो दिस काइंड ऑफ लॉज आर ऑल्सो बीन मेड सो दैट द पीपल आर एबल टू लिव प्रॉपरली, सर्वाइव प्रॉपरली इन द सोसाइटी। फाइन, सो दैट्स वाई देर इज अ नीड फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ न्यू लॉज। फाइन, लॉज एंड डिस्टेंस, इसका मतलब होता है कि कभी कभी नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं लोगों की सुरक्षा करने के लिए, ठीक है, ताकि लोग आराम से सोसाइटी में रहें, उन्हें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम या तकलीफ ना हो। अगर उन्हें लगता है कि ये चीज़ गलत हो रही है तो कानून है मुजरिमों को सजा देने के लिए, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो कानून से खुश नहीं होते, उन्हें लगता है कि ये जो कानून बनाया ना ये लोग के हित में नहीं है, इट शुड नॉट बी देयर, फाइन, एंड सर्टेन चेंजेस शुड बी ब्रॉट अपॉन इन दोज काइंड्स ऑफ rules and or those kinds of laws. So there is a distance between the citizen, the common people, and the laws which are being made and which are being implemented. Like, so if the people wants to show that they are not happy with the law, they don't want that it should be came into the force, so there are many ways and means through which the general public say about it. Like they take out peaceful marches, strikes are there, non-cooperation, etc. So what happened? These are the ways and means through which the general public informed to the government, informed to the government, and informed to the Supreme Court also that this law which is being made is not in the favor of the general public, or they are not happy with implementation of this law. So this law should be either abolished or it should be declared as invalid. Fine. So unpopular laws and the role of people in a democracy. If we all know that India is a democratic country, लोगों को अपना अपनी बात रखने का पूरा पूरा अधिकार है, लोकतंत्र है यहाँ पर, हम जनता ही जो है वो अपने representatives को चुनती है, select करती है कि yes this representative should be there. तो अगर जनता को लगता है कि अगर ये जो कानून बना है उससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, ये हमारे कह सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अगेंस्ट है, तो अब वो अपने आप को अपनी बात रखने के लिए गवर्नमेंट को बताने के लिए कि यस वी आर नॉट हैप्पी, देयर सर्टेन वेज अनपॉपुलर लॉ को हटाने की कोशिश आम जनता करती है, देखते हैं कैसे। पहले वो क्या करते हैं, लेटर टू द एडिटर्स, you might have seen in the newspaper, in that newspaper they write an letter to the editor that this law is there, the general public or the common people are not happy with the implementation of this laws, what are the pros and consequences of implementing this laws, why the general public is not happy with this kind of law, so they can write it in the newspaper. And through newspaper, they can raise their voice that what they want to convey to the government, and the general public at a mass level also come to know about that thing. Fine. Organize a meeting. They can organize a connect a meeting in which they make general public aware of it. You might have seen in the television also, so many kind of news conferences are being made, debates hoti hain ki acha kya ye kanun banna chahiye ki nahi banna chahiye. न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखे होते हैं, न्यूज़ जो रीडर्स होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, वो कुछ दो चार लोगों को उससे रिलेटेड पर्सन्स को बैठाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो लोग अपना अपना मत रखते हैं, डिबेट होती है इस चीज़ों में। तो ये क्या है कि एक बैठक है अपनी बात को रखने के लिए कि वेदर दैट थिंग शुड बी इम्प्लीमेंटेड
or not. Fine. Discussion at social platform. That's what I have just now said, that on television, print media, audio, video, on news, on radio also, discussions होते हैं लोगों के, या फिर किसी का हमने इंटरव्यू दिखाया, समझाया, लोगों को बुला के उनसे बातचीत करवाई, जिसमें वो लोग अपना मत रखते हैं. ऑर्गेनाइज मीटिंग का मतलब ये हुआ कि लोगों को भी एकत्रित करना, लोगों को उसके बारे में अवेयर कराना. कि देखिए, कॉमन पीपल को बहुत ज़्यादा उसके बारे में डिटेल नहीं पता है, लेकिन जिनको पता है वो लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये कानून आ गया तब हमारे इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके क्या दुरुपयोग हैं जो सोसाइटी को हो सकते हैं. उसके लिए वो लोग हड़ताल कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, ठीक है, आंदोलन होता है, नॉन कॉपरेशन होता है, भूख हड़ताल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम लोग देखते आते हैं और न्यूज़ में अक्सर सुनने को मिलती हैं. MLAs appointed of the discontent of the law. जो हमारे MLAs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, दे ट्राई टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द लॉ इन द पार्लियामेंट, कि इफ दिस लॉ विल बी इम्प्लीमेंटेड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, फाइन, व्हाट आर द बैड इफेक्ट ऑफ दैट लॉ ऑन द सोसाइटी एज अ होल. तो MLAs also try to raise their voice in the parliament. Highest political forum to the court. जो highest political forum होती हैं वो court को represent करने की काम करती हैं कि yes, this should not be there or how it should be implemented. And finally, being a democratic country, सबसे बड़ा अधिकार government के पास या फिर आम जनता के पास ये होता है कि ये सब कुछ करने के बाद अगर उसके बावजूद वो देखती हैं कि हमने कानून, जो कानून गवर्नमेंट लाने की बात कर रही हैं, वो लोक हित में नहीं है, तब वो उनको वोट देना छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को वोट भी दे सकती है. बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, द अल्टीमेट डिसीजन टू वोट लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल. इफ दे थिंक दैट दिस लॉ शुड बी इम्प्लीमेंटेड, दे कैन fruitfully go and implement that law. And if the general public itself think that this law is not in the welfare of the society, it is going to affect the future of the country, then obviously the common people can raise their voice and go against the government also to stop implementing such kinds of law in which the welfare of the society as a whole is going to hamper. Fine. So these are the ways and means through which the government or the common people are there connected with each other through laws and the system of law. सरकार कानून बनाने का काम करती है, implement करने का काम करती है, और वो कानून बनाए जाते हैं लोगों के हित के लिए, एक administration को सही ढंग से चलाने के लिए. जैसे अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती रहे सही ढंग से, उसके लिए कुछ सेटअप होता है काम करने का, और वही सेटअप हमारा कानून व्यवस्था करती है जिससे हमारी जो कंट्री है वो सही ढंग से काम कर सके, ठीक है. लेकिन अगर वही सही ढंग से काम तब नहीं होता जब या तो गवर्नमेंट कुछ हाई नियम कायदे कानून बना देती है, तब ये आम जनता के पास भी इतना अधिकार है कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर अपने बात को रख सके, बोल सके, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, कॉन्फ्रेंस हो, और ये बताने की कोशिश करती है, दर्शाने की कोशिश करती है कि यस, वी आर नॉट हैपिंग विद द लॉ. और अल्टीमेटली अगर गवर्नमेंट चाहे तो, अगर वो देखती है कि भाई ये बिल तो पास होने लायक है नहीं, ये लॉ तो बन नहीं सकता है, बनाना नहीं चाहिए था हमें, तब वो विड्रॉ भी कर सकती है ऐसे कौन, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, हेयर वी कम्स टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस तरह से वो काम करता है, और ये जो हमारा लॉ का जो सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है ताकि चीज़ें बेहतर से बेहतर जो हैं वो हो सकें. आई होप this much must be clear to you all. So see you very soon in our upcoming videos and upcoming lectures with some new topics, new knowledge to gain upon. By the time, keep
keep learning and keep growing. Thanks for watching.